और नाज़रीन, बॉक्सिंग के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं स्नूकर के हवाले से। तो आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान आलमी टीम चैंपियनशिप और सिक्स रेड चैंपियनशिप में भी शिरकत करेगी। इंटरनेशनल मुकाबले 5 से 15 नवंबर कतर के शहर दोहा में खेले जाएंगे। बाबर मसीह, मोहम्मद नसीम अख्तर और एहसन रमज़ान आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद रमज़ान ने, रमज़ान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइए कैसी तैयारी है, क्या कुछ कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है और कैंप किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि जैसे मेहनत की है मजीद पाकिस्तान के लिए कर। एहसन, एहसन ये बताइए आपके साथ टीम में कौन कौन शामिल होगा, क्या आप सिक्स रेड में होंगे या फिर जो आलमी चैंपियनशिप है उसमें शामिल होंगे? जी मैं तीन इवेंट में हूँ, सिक्स रेड में भी हूँ और आलमी चैंपियनशिप में भी हूँ और टीम इवेंट। आपके साथ कौन होगा? मेरे साथ नसीम अख्तर होंगे टीम ए में और टीम बी में मोहम्मद सजाद और बाबर। अच्छा ऐसा आपने, हमने देखा है कि माजी में बड़ी शानदार कारकर्दियां दिखाई, कोई ऐसी कारकर्दगी जो आपको आज तक याद हो, आप कहते हो कि यार ये कारकर्दगी जो है ये सबसे बेहतर थी? देखे 16 साल की एज में पाकिस्तान के नाम मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे माजी में परफॉर्मेंस रही है इंशाल्लाह ये भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान। अच्छा रमजान ये भी बताइए कि गोल्स क्या हैं आपके मुस्तकबिल में? पाकिस्तान का स्नूकर में एक बड़ा नाम रहा है, मोहम्मद यूसुफ हो गए, साले मोहम्मद हो गए, ये बताइए कि आपके गोल्स क्या हैं, क्या मोहम्मद यूसुफ को आप जो है वो आइडियलाइज करते हैं, किसको आइडियलाइज करते हैं? देखिए जहाँ तक बात है क्योंकि वर्ल्ड कप की तो अल्लाह ताला की जात ने पहले भी वर्ल्ड चैंपियन से नवाजा और मजीद कोशिश करेंगे कि जब तक खेल सके पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और आगे इंशाल्लाह प्रोफेशनल में भी जाने का इरादा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए तब तक खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए अच्छा करें। अच्छा ऐसा नहीं, बताइए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैंने अभी कुछ देर कबल उस्मान से भी ये सवाल किया था, वो बॉक्सिंग में होते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह दीगर खेलों को सपोर्ट किया जाता है खासतौर पर क्रिकेट को, उस तरह हम दीगर खेलों को सपोर्ट नहीं किया जाता, तो आप क्या समझते हैं स्नूकर के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है फेडरेशन को? देखिए अभी भी अगर हम इवेंट पर जा रहे हैं तो जो वर्ल्ड कप की जो फ्लाइट है और वहाँ के जो एक्सपेंस हैं वो फेडरेशन कर रही है, जो हमारी टीएटी है वो हमें नहीं मिल रही, हमने खाना और जो लाहौर से कराची तक की ट्रेवलिंग है ये खुद करनी है, तो मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर के ऊपर एक ये बहुत बर्डन होता है, तो चाहिए कि जहाँ पर इतना कर रहे हैं जो थोड़ी सी चीज़ें हैं देखिए अनाउंस तो मिलना चाहिए प्लेयर, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। अच्छा ऐसे हमने देखा है कि क्रिकेट में, क्रिकेट का गेम जो है उसको सपोर्ट करने के लिए बड़े स्पॉन्सर्स मैदान में आ जाते हैं, तो बोल न्यूज़ के तवस्सुत से आप क्या कहना चाहेंगे, बोल स्पोर्ट्स के उस प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे जो ब्रांड्स हैं उनसे कि आएँ, आगे आएँ और सपोर्ट करें स्नूकर को भी? जी बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर आएँ देखें और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी यही अपील है कि देखें हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अभी भी इवेंट पर जा रहे हैं, तो जब सब कुछ हमारे लिए हो रहा है तो फिर अनाउंस भी जरूर करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि मजीद पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई वेन्यू नहीं है, तो कम से कम एक अच्छा वेन्यू दें ताकि हम सब इंटरनेशनल पे जाके खेलें, तो मजीद इसमें हमारी हेल्प काफ़ी चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी होंगी। चले हम भी उम्मीद करते हैं कि दीगर खेलों की तरह स्नूकर को भी जो है वो सपोर्ट मिलेगी, ब्रांड्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, और ऑल द बेस्ट एहसन, आप जा रहे हैं 5 तारीख को, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।